हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए एस के भाई। आप फिर मैं हूँ आपके आप फिर, और आप देख रहे हैं ए एस के। यस, तो गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्योंकि आज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज पुणे का मौसम जो है उसने अपना फितरत बदल लिया है, बोल सकते हैं हम। क्योंकि आज इतने लंबे वक्त के बाद पुणे में गर्मी नहीं है, धूप नहीं दिख रहा है, सुबह बादल दिख रहा है। यस, और पानी के तीन चार बूंद भी टपके हैं। मैं आपको बाहर का लुक दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ। यस, देखिए, आई होप क्लियर क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि बाहर है बादल और सूरज थोड़ा बहुत निकला है, लेकिन ऐसे छुप छुप के निकला है। कोशिश कर रहा है कि मैं बाहर उन लोगों को जलाऊं, बट थैंक्स टू बादल कि उसने उसे ढक के रखा है, उसके कहर से बचा के रखा है आज हमें। और ये मेरे बाहर का व्यू, जैसे गड्ढा खोद दिया है लेकिन इस पर पानी भर गया है, तो ऐसा कुछ है। आज बाहर बादल है, तो देखा आप लोगों ने बाहर कितना बादल है, राइट? क्लाउडी है आज का वेदर, तो होपफुली उतना ज़्यादा महसूस नहीं होगी आज गर्मी, और लोग बाहर भी जा सकते हैं। क्योंकि आज मुझे जाना है बाहर, इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि आज थोड़े बादल हैं तो मैं धूप से बच जाऊंगी। आज हमारी दावत है और हम दावत में बाहर जा रहे हैं। मैं वाली हूँ दावत पे, आपको लेके जाऊंगी मेरे साथ मेरे अंकल आंटी के घर पे, और देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। मैं मिलती हूँ आपसे एक थोड़ी देर में। तो हो गए मैं रेडी। मैं सो गई थी आज 2 बजे के बाद, क्योंकि कल रात में थोड़ा लेट सोई थी, नींद पूरी हुई नहीं हुई मेरे। बट अभी सो के उठने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, और जाने के लिए मैं रेडी भी हो गई हूँ। देखिए, मैंने ब्लू कलर का, ये है टर्किश ब्लू में मैंने सलवार सूट डाला है, और बाहर आज धूप भी कम है, तो आई थिंक जाने में इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। तो चलिए लेके चलती हूँ मैं आपको आज नए जगह पर इफ्तारी के लिए। मेरे साथ टोक्यो नहीं जाने वाला हमारे साथ, क्योंकि वो सो रहा है, उसका ये सोने का टाइम रहता है, तो मैंने सोचा कि उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं और अच्छे से जाते हैं, और कोशिश करेंगे जल्दी आने के लिए, क्योंकि बट हमको आने में लेट हो जाएगा, 10 तो बजे जाएंगे रात के। और मैंने एक चीज़ बनाया जो आप लोगों को मुझे भी दिखाना है, मैंने क्या बनाया है लेके जाने के लिए। बोलते बहुत साइड में, हमारे साइड में से खोने खजूर बोलते, तो मैंने सोचा कि खाली हाथ जाने से अच्छा मैं ये बना लेती हूँ, क्योंकि जल्दी में सबसे इजी बनने वाला जैसे कि यही होता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ कुकी बिकॉज ये मैदे से बनता है, क्योंकि अम्मी जान कहा करती है कि बेटा कहीं भी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं चलते। सो बस ये है। तो मैं आ गई हूँ, धूप काफ़ी था तेज़ बाहर, बस अभी जाते हैं ऊपर। बाकी लोग एक्चुअली मेरे जो अंकल वगैरह थे वो सब बाहर ही मिल गए, तो वो लोग उनके साथ ही बाहर, कहीं कुछ बाहर लाना था सामान तो उधर निकल गए हैं, तो मैं अभी अकेले ऊपर जाने वाली हूँ, वो लोग बाद में आएंगे ऊपर। तो बस आ गए, खाला अस्सलाम वालेकुम, केलू ऊपर आ गए, स्कूटी में आई ना मैं। अच्छा, तो ये तो दरवाजा खुला था। अच्छा, वो लोग ना ऐसे ही चले गए, वो खुला छोड़ के। सोचो मेरे घर भी यही हाल होता है। इब्बू, तो ये है इब्राहिम, अब्राहम, इब्बू। अच्छे से लो, अच्छे कपड़े पहना दो इब्बू। हां, यहां पे अभी कट रहा है फ्रूट्स, और ये फ्राइड हो रहा है कट। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीजें फ्राई हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पे गुलगुला बनाया है, भजिया है, मिर्ची का पकोड़ा है, ये कटलेट है, और समोसा भी है जो कि हो रहा है अभी अंदर गरम। तो इतनी सारी चीजें बनी है आज इफ्तारी में। तो ये इफ्तारी हमारा जाता हुआ हमारे दस्तरखान पे। ये है इब्राहिम और हमारे खालू। इब्राहिम को दादा के पास रहना बहुत पसंद है। कैमरे के सामने हाय बोलता हुआ हमारे दर्शकों को इब्राहिम की तरफ से हेलो। ये है यहाँ का
मेरा सेकंड चाइल्ड दादा इस घर की अलीजे। क्या खा रही है अलीजा? खजूर। तुम्हारी दस्तरखान लग चुका है, सब बैठ चुके हैं, लेकिन सब अपने अपने बातों में बहुत बिजी है, कोई मेरे तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा, ना ही कैमरे की तरफ। इबू का सबसे पहले इबू। मैं नमाज के बाद, क्योंकि नमाज के बाद बनेगी चाय, तो होगा चाय ब्रेक। इब्राहिम क्या देख रहे हो आप? हाँ इब्राहिम क्या देख रहे हो आप? बेबी शार्क डुड्डू डू। चल रही है मैच और जीत गई है धोनी की टीम। यस, और हमारे साथ है कसफ। हम इतना हल्ला कर रहे हैं लेकिन ये बच्चे बिल्कुल। मैं मिलाती हूँ कसफ से। कसफ अलीजे। तो ये है अलीजे, ये है इसकी छोटी सिस्टर कसफ। तो हम मैच देख रहे हैं और ये बेबी सो रही है। और तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ मेरी इस प्यारी सी फैमिली के साथ। और अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए, बोलिए बोलिए, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।